दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है नोबडी इज अबव लॉ। अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ जो पुलिस एक्शन हुआ है उसको डिफेंड करते हुए कहा कि नोबडी इज अबव लॉ। मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूं कि नोबडी इज अबव लॉ। मई 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मदर कुमुद नायक ये पाए गए डेड अपने फार्म हाउस कबीर विलेज अलीबाग के अंदर। पुलिस ने कहा कि अन्वय नायक ने सुसाइड किया और उनकी मदर कुमुद का गला दबा करके मारा गया। पुलिस ने इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और अप्रैल 2019 में पुलिस ने यह केस क्लोज कर दिया। उन्होंने कहा इस केस में अर्णब गोस्वामी और बाकी जो दो लोग का नाम लिया था उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। अन्वय नायक ने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उन्होंने नाम लिया था अर्णब गोस्वामी का और साथ में दो लोगों का। मई 2020 में अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि स्टेट सीआईडी इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करेगी और उन्होंने ये कहा कि ये केस मैं सीआईडी को दे रहा हूं और इस केस को रीओपन करके इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी क्योंकि इसके ऊपर अन्वय नायक की जो लड़की है यानी कि अदनया नायक उन्होंने रिक्वेस्ट की है। मैं पूरा एग्री करता हूं अनिल देशमुख की इस स्टेटमेंट के ऊपर कि कोई लॉ के ऊपर नहीं है। साथ में उनके एक्शन को भी सपोर्ट करता हूं क्योंकि उन्होंने जस्टिस ऑफ फेयर प्ले के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट की है, लेकिन मैं उनके इस एटीट्यूड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि जिस तरीके से यहां पे अर्णब गोस्वामी को उठाया गया, उनसे मिसबिहेव किया गया और जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया जैसे कि अर्णब गोस्वामी को टेररिस्ट हो। आप देख रहे होंगे कि जब मुंबई में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्या किसी आदमी को इस तरीके से उठाया गया? नहीं। बड़े प्यार से लोगों को बुलाया जाता था, उनसे बातचीत की जाती थी। और इसलिए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अटेंशन में लाना चाहूंगा मुंबई टेररिस्ट अटैक। ये टेररिस्ट अटैक मुंबई में मार्च 1993 में हुआ था जहां पे कई सौ लोगों की डेथ हुई थी और बहुत से लोग इंजर्ड हुए थे, काफी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ था। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसका नाम कहा जाता है एनएन वोरा कमेटी। एनएन वोरा फॉर्मर होम मिनिस्टर थे और उनको टास्क दिया गया इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने का। एनएन वोरा ने सितंबर 1993 में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो वायलेंस हुई है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके अंदर पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड का डेफिनेट हाथ है। उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी दिए जिनको लेकिन पूरे तरीके से एक्सपोज नहीं किया गया क्योंकि महाराष्ट्र में उस टाइम गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और सेंटर में भी जो गवर्नमेंट थी वो भी कांग्रेस की थी। मैं इसे रिक्वेस्ट करूंगा अनिल देशमुख साहब से, होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और साथ में अपील करूंगा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब से कि इस केस को रिओपन किया जाए और कि इस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम एनएन वोरा ने अपनी रिपोर्ट के अंदर दिया। ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है कि जो पॉलिटिशियंस हैं जो इन्वॉल्व थे उस टेरर अटैक के अंदर, जिनकी लिंकेज थी टेररिस्ट के साथ यानी कि दाऊद इब्राहिम के साथ, उनके नाम लोगों के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इस रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम को जब भागने का मौका दिया गया था या उसको चांस दिया गया था उसमें कुछ पॉलिटिशियंस का हाथ है। तो मैं चाहता हूं कि इस केस को दोबारा से रिओपन किया जाए और पब्लिक के सामने जो ट्रुथ है वो लाया जाए ताकि जो भी लोग हैं जो ट्रेटर्स हैं इंडिया के वो एक्सपोज हो और पब्लिक जाने कि ये लोग कौन है। अगर ऐसी चीजों को हम छुपाएंगे तो हमारे देश का और भी नुकसान होगा और पहले भी हमारा देश बहुत नुकसान भोग चुका है। जय हिंद, जय भारत।